दीपावली पर्व को लेकर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चल रहे जुआ पर नकेल कसने को लेकर चतरा पुलिस पूरी तरह से सख्त है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सदर थाना क्षेत्र के बदार फुटबॉल मैदान में जुआ खेल रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 32,000 रुपए नकद के साथ 6 मोबाइल फोन समेत 2 मोटरसाइकिल जब्त। चतरा सदर थाना क्षेत्र के बधार गांव में फुटबॉल मैदान के पीछे जंगल में पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली कि जुआरी लोग वहां जुआ खेल रहे हैं। इसको सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में और थाना प्रभारी लव कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ जगह पे छापा मारा गया, तो वहां से कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 25,020 रुपया और 6 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और ताश के पत्ते भी वहां से जब्त किए गए हैं। संबंधित धाराओं में FIR कर दी गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये सभी वहां बैठ के जुआ खेल रहे हैं, सभी खेलने वाले लोग। R9 भारत के लिए कुमार चंदन की रिपोर्ट, चतरा। दीपावली पर्व को लेकर क्षेत्र के हरेक इलाके में जुआ का खेल जोर शोर से चल रहा है। इस खेल में कई लोग जीत कर जश्न मना रहे हैं तो कोई लोग हार के कारण कर्ज लेने व अपने सामानों को गिरवी रख कर भी जुआ खेल रहे हैं। इसी खेल को लेकर एक पिता को अपने बेटे को पैसे देने से इनकार करना पड़ा भारी। पिता ने पैसे देने से इनकार करते समय गुस्साए बेटे ने घर में आग लगा दी और देखते ही देखते आग चंद मिनटों के भीतर ही तेजी से फैल गई, जिसके बाद जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो लोगों ने आग बुझाने का काम शुरू किया, जिसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। घटना टंडवा थाना क्षेत्र के तेलिया डी गांव की है। इस घटना से घर में रखा अनाज समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से इलाके में चल रहे जुआ के अड्डे पर नकेल कसने की मांग की है। बाप को पैसा मांग रहा था 20,000 रुपया ताश खेलने के लिए। बाप गरीब आदमी है, कमाता है तो अपना किसी तरह से जीवन बसर कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं था। बाप बोल दिया बेटा पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा कहाँ से मिला। उसके बाद बाप साथ के मारपीट करने के बाद माँ बाप को पूरा मारपीट किया और उसके बाद घर में पूरा आग लगा दिया। लमसम 1,00,000 रुपये का क्षति हुआ है, पूरा धान चावल सब जल गया, घर में था सब जल के राख हो गया। देखिए इस प्रकार की घटना जो बराबर होते रहता है, इसमें कई जुआओं की जिंदगी दांव पर लगी हुई रहती है और इस प्रकार के अवैध कार्रवाई को अवश्य रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें कई माने हजारों लाखों घर उजड़ने का भय रहता है, कई परिवार बेघर हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो गोरख धंधा या अवैध जो जुआ का कार्यक्रम है, उसको मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में जितने भी जुआ का अड्डा चलाया जा रहा है या जो अवैध ढंग से जुआ खेलते हैं, उन पर उचित कार्रवाई करते हुए अगर तत्काल इस तरह के कार्यक्रम को नहीं रोका गया तो आने वाला समय में इस तरह का कई आशियाना है, जिसमें आज तो सिर्फ दिखावटी आंख लगा है, कई ऐसी जिंदगियां होंगी जो आत्महत्या कर लेगा, कई ऐसी जिंदगियां हो जाएगी जो फांसी लगा लेंगे, कई ऐसी जिंदगियां हो जाएगी जो एक दूसरे का कत्लेआम कर देंगे। तो इस प्रकार का कुकृत्य को रोकने के लिए प्रशासन को आगे आना होगा और इस प्रकार के जुआ के गोरख धंधे को अविलंब रोकना होगा, तभी हम और हमारा समाज सुरक्षित रह। R9 भारत के लिए कुमार चंदन की रिपोर्ट, चतरा। पूर्व सैनिक और 80 के दशक से संघ और भाजपा के नेता रहे बरवाडी पोस्ट ऑफिस मोहल्ला निवासी स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह की सोमवार को 26वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम के निमित्त कस्तूरबा भवन में स्मरण सभा का आयोजन कर उनके पुत्र श्री पंकज कुमार सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बरवाडी के सम्मानित गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे एवं उनकी छायाचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका स्मरण किया। और इस अवसर पर स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह के पुत्र श्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पिताजी के वैचारिक विरासत को समाज में प्रेरणा पुंज के रूप में प्रज्वलित करने की दिशा में आज पिताजी के समकालीन मित्रगण भाजपा के सभी कार्यकर्ता और हमारे युवा साथी हम सभी एकत्रित होकर उनका स्मरण कर रहे हैं। जिस तरह पिताजी अपने आर्थिक क्षेत्र में कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए भी समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने का काम करते थे, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का काम करेंगे और उनके वैचारिक विरासत की परंपरा हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा सांसद प्रतिनिधि कन्हाई प्रसाद, वरिष्ठ नेता इकबाल सिंह, ईश्वरी सिंह, द्वारिका प्रसाद आदि सभी उपस्थित रहे। बाबू जी के 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व से जो परंपरा हम लोग चलाते आ रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक स्मरण सभा का आयोजन कस्तूरबा भवन में किया गया। स्मरण सभा में बाबू जी के समकालीन उनके राजनैतिक आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के मित्र बंधु, हमारे नए युवा साथी, भाई बंधु सभी ने मिलकर उनके वैचारिक विरासत को
समाज में एक प्रेरणा पुंज के रूप में प्रज्वलित करते रहने की दिशा में सभी ने उनको याद किया। उनके सामाजिक जीवन को जिस तरह से वो अपने आर्थिक क्षेत्र के कर्तव्यों को निभाते हुए भी समाज के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व थे उनको निभाया, उसको हम कैसे अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे समाज के लिए जिए, इन सारे विषय वस्तु को लेकर हम लोग एकत्रित हुए, बातचीत हुई और इस वैचारिक विरासत के परंपरा को हम लोगों ने आगे करने का काम किया। R9 भारत के लिए हेमंत कुमार कश्यप की रिपोर्ट, लातेहार, बरवाड़ी।